नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में क्या रखा है हौसलों में उड़ान होती है। ये सच है कि कामयाबी ना गरीबी देखती है ना अमीरी, कामयाबी पाने के लिए बस केवल सच्ची मेहनत और जज्बे की जरूरत होती है। बचपन में मेलों में गुब्बारों पर निशाना लगाने वाला एक किसान का बेटा बड़ा होकर ऐसा निशाना लगाएगा कि देश के लिए गोल्ड जीत लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। महज 16 साल की उम्र में एशियन गेम्स की शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले सौरभ चौधरी ने इतिहास रच दिया है। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। बचपन में पढ़ाई ना करनी पड़े इसके लिए शूटिंग को पढ़ाई से बचने का एक जरिया बनाया, लेकिन पढ़ाई से बचने का ये बहाना एक दिन देश के लिए गोल्ड जिता देगा, ये सपनों से दूर की कहानी थी। महज 3 साल पहले शूटिंग में हाथ आजमाने वाले सौरभ का ये पहला इंटरनेशनल सीनियर्स इवेंट था और मुकाबला दिग्गजों से था। सही वक्त पर सही निशाना लगाने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। सौरभ ने भी बस यही कारनामा करके दिखाया। गन्ना किसान के बेटे सौरभ कहते हैं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था और कभी इसमें मेरा मन नहीं लगा। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मैं प्यार करता था और शूटिंग में कुछ ऐसा था जिसने मेरा ध्यान खींचा। तो वही सौरभ के बड़े भाई नितिन कहते हैं, पिताजी ने शूटिंग को गंभीरता से लेने के सौरभ के फैसले को हमेशा समर्थन किया। शूटिंग के प्रति सौरभ का जुनून ऐसा रहा है कि जब उन्होंने शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू की तो वह घंटों तैयारी करते रहते थे। यहाँ तक कि कई बार तो वह लंच ब्रेक तक नहीं लेता था। भारतीय टीम के लिए उसका सिलेक्शन होने के बाद उसने तैयारी तेज कर दी और अपने रूम में ही एक छोटी रेंज बना ली जिस पर वह दिन भर ट्रेनिंग किया करता था। हमें एशियन गेम्स और शूटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वह मेडल लेकर आएगा। 10 मीटर एयर पिस्टल में देश के लिए गोल्ड जीतने वाले सौरभ चौधरी के घर में जश्न का माहौल है। मेरठ के पास के गांव कलीना में किसान के घर जन्म लेने वाले सौरभ ने न केवल देश का नाम रोशन किया है बल्कि अपने परिवार के साथ साथ गांव का नाम भी रोशन किया है। सौरभ की इस कामयाबी के बाद यूपी सरकार ने भी इनाम देने का ऐलान किया है।